कंप्यूटर स्टोर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के ऑनलाइन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। सबसे पहले आप tally.erp9 को चालू कर लेना है। चालू करने के बाद में आपकी टेली इस प्रकार से ओपन हो जाएगी और उसमें एक कंपनी को सेलेक्ट कर लेना है। मैंने आपको कंपनी बनाना, सेलेक्ट करना, सेट करना, ये सारी चीज़ें 1 से 5 वीडियो जो है tally.erp9 के प्लेलिस्ट में वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट ये वाली होती है। आप इस पर गेटवे ऑफ टेली ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है और इसमें गेटवे ऑफ टेली में आपको रिपोर्ट्स के नीचे बिल बैलेंस शीट पे जाना है। इस तरीके से बैलेंस शीट ओपन हो जाएगी। अगर इसमें से बैक आना है तो एस्केप की प्रेस कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि इस पर शॉर्टकट से चलाना चाहें तो बी जो रेड हो रहा है बी भी अगर प्रेस करते हो तब भी आप बैलेंस शीट के अंदर पहुँच जाते हो। अब समझते हैं कि बैलेंस शीट किस तरीके से काम करती है और क्या होती है। सबसे पहले मैं बताता हूं कि बैलेंस शीट में ऊपर देखोगे तो ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट कंपनी का नाम आएगा। इसमें ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट 1 मई 2023 तक का दिया हुआ है। यहाँ इस पे क्या है कि जो बैलेंस शीट होती है इसके 2 टाइप्स बने होते हैं। उसमें एक लाइबिलिटीज पक्ष होता है और एक इसमें एसेट्स पक्ष होता है। इस तरीके से 2 बॉक्स है इसके अंदर। और इसमें अगर बात करते हैं हम लोग कि 1 मई के बजाय मैं 31 मार्च 2024 तक के कंप्लीट में बैलेंस शीट देखना चाहता हूं तो यहां F2 दबा सकते हो, F2 प्रेस कर सकते हो, तब भी ये वाला ऑप्शन आ जाता है। और यहां से आप जो ये लिखा हुआ है पीरियड्स, यहां पे भी आप जाके चेंज कर सकते हो। मैं 1 अप्रैल 2023 से 31.3 यानी कि मैं यहाँ से पूरी साल पूरी फाइनेंशियल ईयर की बैलेंस शीट देखना चाहूँ तो इस तरीके से भी मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। और मैं इसके अलावा यदि F2 दबा के यदि कुछ कम समय की देखना चाहूँ, जैसे मैं देखना चाहता हूँ 1.4 से यहाँ पहले से आ रहा 1.7 यदि कि 1 जुलाई तक के मुझे देखना है तो इस तरीके से मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। तो मैं इसको अब आपको समझाता हूँ कि इसमें क्या होता है। देखो, एक पक्ष लाइबिलिटीज होता है जहाँ पे कंपनी के दायित्व होते हैं, दूसरी तरफ होता है एसेट्स होते हैं जहाँ पे कंपनी की संपत्तियाँ होती हैं। अगर बात करें लाइबिलिटीज पक्ष की तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट्स एक अमाउंट आता है, और कैपिटल जो आपने ग्रुप यूज किया था उसमें जो भी अमाउंट होगा यहाँ पे वो आ जाएगा। कैपिटल के जो अकाउंट्स हैं और ड्रॉइंग का जो अकाउंट है वो यहाँ पे यूज हो गया। यानी कि कंपनी की बात करें तो कंपनी में आपने 5 लाख रुपए यहाँ पे लगाए हुए हैं, जो आपकी कंपनी में दिखाई देगा वो अमाउंट आपने कंपनी में कैपिटल लगाया हुआ है। दूसरी बात करें तो लॉन्च लाइबिलिटीज की, यहाँ पे लॉन्च लाइबिलिटीज में कोई अमाउंट नहीं है। इसका मतलब कंपनी के पास यहाँ पे लोन नहीं है, कोई लोन अपने कंपनी ने नहीं ले रखा। यदि कंपनी लोन लेती है तो यहाँ पे कंपनी का लोन अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज है। करंट लाइबिलिटीज का मतलब कंपनी के पास कुछ ऐसे दायित्व है जो 1 साल या कम समय के अंदर उनको चुकाने होंगे, वो है 12,33,400। और इसका टोटल की बात करें तो इसके जो लाइबिलिटीज पक्ष है उसका जो टोटल आ रहा है वो 17,33,400 अमाउंट आ रहा है। इसी तरीके से अगर राइट साइड में आप जाओगे तो वहाँ पे भी 17,33,400 का अमाउंट है। ये एसेट्स पक्ष है। एसेट्स पक्ष की बात करें तो हम यहाँ पे एक एसेट्स में आ रहा है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट के आगे कोई अमाउंट नहीं है, इसका मतलब कि इसके अंदर कोई भी ऐसा अमाउंट नहीं है या कोई फिक्स एसेट नहीं है, जैसे बिल्डिंग, भूमि, मशीन, कार, बाइक, इस तरीके की जो चीज़ें फिक्स है जो कंपनी को चलाने के लिए काम में ली जाती हैं, वर्किंग के लिए यूज की जाती हैं, वो एसेट्स यहाँ पे नहीं है। अगर होती तो यहाँ पे अमाउंट आ जाता। नेक्स्ट बात करते हैं करंट एसेट्स हमारे पास है। करंट एसेट्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं 8,32,25.57 है, और वो यहाँ पे टोटल करंट एसेट्स है जो कम समय के अंदर हमारे पास में एक्सेप्ट होने वाले हैं, मिलने वाले हैं। जैसे कि मान लेते हैं सेंडी डेटर्स की बात करें वो इसके अंदर आएगा। मैं ये दिखाऊंगा, उससे पहले मैं समझा देता हूँ पूरा शॉर्ट में। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो यहाँ पे 9,01,374.43 यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा है, और यहाँ पे करंट पीरियड में भी वही आ रहा है। यदि हम ये देखना चाहें कि प्रॉफिट एंड लॉस में से प्रॉफिट है या लॉस है तो आपको करना क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस पे क्लिक करके अंडर प्रेस कर देना है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे नीचे नीचे आपको आ रहा है नेट लॉस, इसका मतलब ये नेट लॉस होगा। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि अगर आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हैं वैसे तो सीख जाते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूँ कि यदि प्रॉफिट एंड लॉस कि अमाउंट एसेट साइड में आता है इसका मतलब लॉस होगा, और यदि वो लाइबिलिटीज पक्ष में आता है तो इसका मतलब होगा कि वो प्रॉफिट होगा। अगर आप एंटर प्रेस करते हो तब भी आप देखोगे तो यहाँ पे ये राइट साइड में आपका आ रहा है
इसका मतलब है कि ये सेल्स अकाउंट की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे लॉस होगा। यदि परचेज की तरफ ये आ जाता है तो इसका मतलब क्या होगा, प्रॉफिट होगा। नेट प्रॉफिट अक्सर क्या आएगी, परचेज साइड में आएगा। दूसरी चीज मैं बताता हूँ, इसको थोड़ा सा और डिफाइन करना चाहूंगा। जैसे कैपिटल अकाउंट है, आप देखना चाहते हो कि इसमें कैपिटल अकाउंट कौन 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 है, तो आप एंटर प्रेस करके देख सकते हो, या इसमें डबल क्लिक करके भी आप देख सकते हो उसको। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो विष्णु शर्मा कैपिटल अकाउंट है। विष्णु शर्मा की कंपनी है, उसका कैपिटल लगाया हुआ है 5 लाख। और बैंक और अंदर जाना चाहो तो यहाँ जा सकते हो, और आपकी जो एंट्री है वो देखना चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट उसे भी देख सकते हो। जैसे अप्रैल में यहाँ पे क्रेडिट के नीचे अमाउंट आ रहा है 5 लाख, यहाँ एंटर करोगे तो आपको दिखा देगा कि कितनी एंट्रीज है यहाँ पे। एक एंट्री है और रिसिप्ट में जाके आप कंप्लीट उस एंट्री तक भी जा सकते हो बैलेंस शीट के थ्रू। बाद में बाहर आना है और इसके बाद बैंक आ जाना है। एक चीज़ है ऐसे, यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज को भी देख सकते हो। एंटर करोगे तो करंट लाइबिलिटीज में यहाँ पे आ जाएगा सेंडरी क्रेडिटर्स, जो 12,33,400 है वो सेंडरी क्रेडिटर्स है, यानी कि आपने जो उधार माल यहाँ पे खरीदा हुआ है वो है। एंटर करेंगे तो दिखाई देगा यहाँ पे एक राम से है, यहाँ पे राम की पार्टी है, वो 11,72,400 है। एंटर करोगे तो कितनी एंट्री है यहाँ दिखाई देगा। यहाँ पे क्या है कि जो 1 अप्रैल वाला है, अप्रैल में ये एंट्री का अमाउंट आ रहा है अलग से, तो इसका मतलब अप्रैल के अंदर ये एंट्रियाँ की गई है। एस्केप करके बैक आ सकते हो। और यहाँ परचेज बिल टू कम जो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे अगर एंटर करोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसे हैं जो गुड्स रिसीव बट बिल नॉट रिसीव, मतलब गुड्स में नहीं, माल तो प्राप्त हुए हैं लेकिन उनके बिल प्राप्त नहीं हुए, इसलिए यहाँ पे इस तरीके से दिखाई दे रहा है। आप बैक आ सकते हो। ऐसे फिक्स एसेट देख सकते हो, फिक्स एसेट एंटर करोगे कुछ नहीं है, यदि होता तो दिखाई देता। इसी तरीके से करंट असेट्स देखोगे तो यहाँ पे सेंडरी डेटर्स आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है। क्लोजिंग स्टॉक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जितने भी आपके पास में स्टॉक होगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। कंप्यूटर आइटम्स में आपके पास में 6,46,622.57, यहाँ से एंटर करोगे तो दिखाएगा यहाँ पे कीबोर्ड माउस और मॉनिटर है। क्वांटिटी है 115 115 115 पीस, उनका रेट दिखाया हुआ है या टोटल वैल्यू दिखाई हुई है। कुल मिला के आपके पास में 345 पीस है, और जो 6,46,625.57 ये टोटल ग्रांड टोटल इतने अमाउंट के आपके पास में स्टॉक रखा हुआ है। बैक आएंगे यहाँ पे, और अगर बात कर लेते हैं हम लोग सेंट्री डेटर्स की, सेंट्री डेटर्स 6,84,000 का हमारे पास सेंट्री डेटर्स, यानी हमने उधार माल कस्टमर्स को दिया हुआ है। कौन कौन एंटर करके प्लेस कर सकते हो, एक तो आपके पास बात करेंगे मोहन अकाउंट 3,15,600 का, तो मोहन को बेचा हुआ है माल, और मोहन सन्स को हमने 3,42,000 बेचा हुआ है। एंटर करके उस एंट्री तक भी जा सकते हो जो इसकी होती है, उस तरीके से आप देख सकते हो। और ऐसे ही हम मोहन की एंट्रियों को भी देख सकते हो, यहाँ पे एंटर करके प्रेस करके ये अमाउंट है यहाँ पे। देन यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस वाला दिखा रहा है, इसमें भी ये दिखा सकते हैं कि कौन कौन से अमाउंट है आपके, सॉरी सेल्स बिल एंड मेक ये वाले, तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, गुड्स डिलीवर तो हुए हैं बट नॉट में। ये क्या इसलिए दिखा रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने ऑर्डर से संबंधित एंट्रीज की थी, उसकी वजह से इस तरीके से दिखाया गया। कंपनी के पास कैश कितना वो भी देख सकते हो आप। कंपनी के पास जो कैश है वो 6,75,000 है, वो यहाँ पे दिखा रहा है। और वो यहाँ पे आप देखोगे क्रेडिट साइड में जा रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे कंपनी के पास जो अमाउंट है वो क्रेडिट है, यानी कि कैश इतना कैश उसके पास में माइनस में गया हुआ है। कितना है कैश का माइनस है ये, और नेगेटिव में गया हुआ है 6,75,000 रुपये। और देन यहाँ पे बैंक की बात करें तो यहाँ पे बात करें बैंक अकाउंट, तो 1,76,400 बैंक के अंदर है। इस तरीके से ग्रांड टोटल यहाँ पे दिया हुआ है, और ये कुल मिला के आपकी बैलेंस शीट है। इस तरीके से आप बैलेंस शीट को यहाँ पे देख सकते हो, और बैलेंस शीट को देखने के बाद में आप इसका जैसे कि कोई भी और वर्क करना चाहे तो आप इससे जस्ट नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो 2-3 वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैं आपको डेबुक से संबंधित कुछ और चीज़ भी बताऊंगा। आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।